अरे गाइस को हाय तो बोल दो। गाइस ऑसम वेदर देख पा रहे क्या? आंधी हाय गाइस, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वेदर कैसा है और आज कुछ ऐसा तो मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ऑलरेडी नाइट हो चुका है और वेदर अभी फ़िलहाल क्लियर है, तो आज कुछ इच्छा नहीं कर रहा था गाइस। मैंने शेविंग भी नहीं किया, लेकिन कोई नहीं गाइस, खाने का तो इच्छा हमेशा करता है, इसलिए मंगवाया है कुछ चटपटा सा बाहर से। आता है तो मैं दिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ क्या ऑर्डर किया, कहाँ से ऑर्डर किया, मुझे देखने का पड़ा और उसको रिव्यू करके और फूड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। तो बने रहिएगा गाइस, बैक टू, थैंक यू। तो गाइस आज मैंने मंगाया है दो अलग अलग रेस्टोरेंट से और मंगाने का कारण ये है कि आज हम लोग करेंगे दिस वर्सेस दिस का रिव्यू। इसका मतलब कि मैं आज आप लोगों को कंपैरिजन वीडियो देने वाला हूँ, मैं टेस्ट करके बताने वाला हूँ आपको ये कैसा है और मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ ये कैसा है। तो पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कहाँ से क्या मंगवाया है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने मंगवाया है द धावा लाइफ नाम के एक रेस्टोरेंट से। अगेन ये नॉर्थ कलकत्ता में ये रेस्टोरेंट है और मुझे ये कॉम्बो मील है छोले चावल का। तो छोले चावल का कॉम्बो मील का पड़ा अराउंड 100 एंड समथिंग। मैं डिस्क्रिप्शन में प्राइसेस मेंशन कर दूंगा, मुझे अभी प्राइसेस याद नहीं है गाइस। तो ये मुझे पड़ा समथिंग लाइक 100 समथिंग और ये है द धावा लाइफ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रॉम द पिंड द धाबा, ये भी छोले चावल है बट ये छोले चावल कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आए हैं। तो अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो गाइस ये धावा लाइफ का पैकेजिंग है विच इज़ गुड, उन्होंने स्पॉर्क भी दिया है साथ में और दिस पैकेजिंग इज़ रियली गुड। और पिंड धावा का पैकेजिंग कुछ ऐसा है बट गाइस धावा लाइफ में साइड में और कुछ नहीं है, नो रायता, नो अचार, नो पटेटोज और एनीथिंग। बट जो पिंड द धावा है उसने साथ में दिया है पापड़, खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है पापड़,
लिज्जत पापड़ है आई गेस, इज्जत बचाओ लिज्जत पापड़ खाओ। और साथ में उन्होंने दिया है थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा रायता, थोड़े से आलू जो आई गेस छोले में मिक्स होने चाहिए, और ये छोले के सब्जी। तो हम लोग देख पा रहे होंगे गाइस, ये है इनका छोले का सब्जी। और अगर इसी में मैं आपको ढाबा लाइफ का दिखाऊं तो ये है इनका छोले का सब्जी। मैं बैक ऑफ द कैमरा आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ कि सब्जी कैसा है ढाबा लाइफ का। यम्मी, छोले गल से गए हैं और टेस्ट इज़ गुड। हल्का सा खट्टापन है सब्जी में, बट ओ ओके आलू है इसमें, ढाबा लाइफ के इसमें भी आलू है विच इज़ मिक्स विद द छोला। यस, आलू ही है। और गाइस इनके चावल देखिए, ये ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि आज मैं फूड का रिव्यू अपने किचन से ही कर रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स हैं और मुझे एक बार स्मेल करके देख लीजिए। राइस में खुशबू बहुत सुंदर है। गुड, टेस्टी राइस। चलिए गाइस, एक बार मैं बिहाइंड द कैमरा एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये छोले जो हैं ये बहुत थिक ग्रेवी है, और पिंड द ढाबा के जो छोले हैं इसमें ग्रेवी थोड़ा सा पतला है, और थोड़ा ऑयल कंटेंट भी मुझे दिख रहा है, जबकि द ढाबा लाइफ के इसमें आपको ऑयल कंटेंट नहीं दिखेगी। तो भाई इसको भी मैं कैमरा के पीछे से एक बार टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है। वाह लवली, इसके छोले गले नहीं है पूरे, वो हल्का सा एक जो छोले में एक हल्का सा एक हार्डनेस जो होता है वो है। और इसका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ़र्क है कि ये जो है ये जो छोले चावल हैं इसके छोले थिक हैं, और ये छोले चावल के जो छोले हैं थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी है। तो गाइस आई विल प्रेफर दिस मोर, बिकॉज राइस के संग जब खाना है अपने को तो थोड़ा ग्रेवी, थोड़ा लिक्विड ग्रेवी होना चाहिए, इसलिए आई विल प्रेफर दिस मोर। फूड है, अपना अपना चॉइस है। तो बाकी ऐसे दोनों का टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, बोथ आर इक्वली गुड। मैं इसका राइस टेस्ट करके देखता हूँ। ओके, इसके राइस गाइस ये बासमती राइस है। अगर आप लोग, क्या मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, ये बासमती राइस है। अगर आप लोगों को यहाँ से दिखे तो इसके ग्रेन्स बड़े बड़े हैं, मैं स्मेल करके देखता हूँ इसका। बट इस राइस में वो अरोमा नहीं है, जो इस राइस में जो अरोमा है वो अरोमा मुझे इस राइस में नहीं मिला। इस राइस में जो अरोमा है ये अरोमा मुझे इस राइस में नहीं मिला। बाकी इसके संग ये आलू का सब्जी अलग से, तो एक चीज़ इससे आलू निकाल के भी टेस्ट करके देखते हैं। उठ जा भाई, अरे हाँ ये आ गया। नमक नहीं है, सिर्फ धनिया पत्ता देके आलू को छोंक दिया गया। नॉट गुड गाइस। तो गाइस ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी पापड़ तो आई गेस पापड़ आप लोगों ने खाया ही होगा, इज्जत पापड़ जो आपकी इज्जत बचाता है। बट देन दिस राइस देयर इज नो अरोमा,
दिस राइस इज वेरी एरोमेटिक। इसका जो छोला है वो ठीक ग्रेवी है। ये जो छोला है ये बहुत नहीं बोलूँगा, बट तब भी ये थिन थोड़ा सा पतला है ग्रेवी। तो गाइस आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैंने दो जगह से खाना ऑर्डर किया है। ये है द थावा लाइफ से। गाइस आज मैं आप लोगों को किचन से ही रिव्यू दे रहा हूँ फूड का, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये एक रेस्टोरेंट है द थावा लाइफ, और इसमें आपको रेस्टोरेंट का नाम नहीं दिख रहा क्योंकि ये ऐसे ही पैकेजिंग में आया है। इसका नाम है द पिन द धावा, और मैंने दोनों जगह से ही छोले चावल मंगवाए हैं। और पिंड द धावा के साथ कॉन्डीमेंट्स में अचार आया है, पापड़ आए हैं, रायता आया है और थोड़े से आलू आए हैं। बट धावा लाइफ की तरफ से ये ब्यूटीफुल पैकिंग है बॉक्स में, कॉम्बो मील है दोनों ही। ये बॉक्स में बहुत ब्यूटीफुली पैक्ड है, जिसमें कि राइस है और छोले की सब्जी है। तो भाई हम लोग एक बार चेक करते हैं। ये मुझे बहुत ठीक लग रहा है और ये थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा है, तो आई वुड प्रेफर दिस छोले का सब्जी मोर, बिकॉज कि राइस या रोटी किसी के साथ भी आप खाओ, स्पेशली अगर आप राइस के साथ खाते हो, यू नीड समथिंग लिक्विडी। एंड इसका जो राइस है ये मुझे आई गेस दिस इज काइंड ऑफ बासमती लॉन्ग ग्रेन है, और इसका जो राइस है ये शॉर्ट ग्रेन राइस है। राइस ये बहुत ही शॉर्ट ग्रेन राइस है। तो चलिए टेस्टिंग करके दिखाता हूँ जो कैसा है। पहले मैं अलग अलग छोले को टेस्ट करूँगा और फिर मैं मिक्स करके राइस के साथ टेस्ट करूँगा। हियर आई एम गाइस, एक बार फिर से मेरे सेल्फी कैमरा के साथ, और प्लीज़ बियर विथ मी बिकॉज आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज फ़ैन नहीं है और मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, आप लोगों को फूड रिव्यू दे रहा हूँ। आई डोंट नो मैं सेल्फी कैमरा से आप लोगों को खाना दिखा भी पाऊँगा या नहीं, बट चलिए कोशिश करते हैं। तो गाइस पहले मैं धाबा लाइफ से टेस्टिंग करूँगा। तो धाबा लाइफ के छोले को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। नाइस, छोले पूरे गल गए हैं और एक हल्का सा खट्टापन है टेस्ट में। और अब इसके राइस को भी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। वाओ, एरोमेटिक राइस, लवली गाइस। ये राइस बहुत टेस्टी है, आप मतलब मैं इसको खाली खाली खा सकता हूँ इस राइस को। तो गाइस बहुत एरोमेटिक राइस है और आई मस्ट से इसको आप खाली भी खा सकते हो, मैं एक बाइट और लेना चाहूँगा। लवली। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं हमारा दूसरा वाला जो पिंड धाबा से जो हम लोगों ने मंगवाया है वो वाला। गाइस अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ दूसरे रेस्टोरेंट का जो पिंड द धाबा से मैंने मंगवाया है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, देखा ना। लवली, आई लाइक दिस गाइस। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो इसके कंपेयर में मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। ये ज़्यादा इसलिए बेटर लगा कि एक तो इसका ग्रेवी थिन है, सेकंड इसमें एक बढ़िया सा प्याज और टमाटर का जो खुशबू आता है ना छोले के सब्जी में वो आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पंजाबी छोले के स्टाइल में बना हुआ है, और ये आई गेस ये वाला जो है ये अमृतसरी छोले के स्टाइल में है, और ये दिल्ली के पंजाबी छोले के स्टाइल में बना हुआ है। तो आई गेस हो सकता है वो डिफरेंस है। टेस्ट देखिए अपना अपना है, मुझे वो वाला बेटर लगा ज़्यादा,
तो मैं थोड़ा सा उसको राइस के संग भी लेके देखता हूँ। तो ये गया मेरा मार्शल। लवली, एक बाइट और गाइस। लवली, इसके छोले को आप अलग से खा सकते हो। वट आई विल सजेस्ट यू नो वट आई एम गोना डू मीन्स आई जस्ट शो यू। आई एम गोइंग टू टेक दिस छोला फ्रॉम पिंड द धाबा एंड दिस एरोमेटिक राइस फ्रॉम द धाबा लाइफ एंड ईट इट। और वो जो बचे हुए हैं ना उसको वेस्ट नहीं करूँगा, फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, उसको भी खा लूँगा बट बाद में, आज के लिए यही खाऊँगा। तो गाइज आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, और ये जो आप मेस्ड अप देख रहे हो ना ये इसलिए है क्योंकि मैंने इससे फूड निकाला है अलग से, क्योंकि मेरे बेटे जी भी ये फूड खा रहे हैं। अब लेके चलता हूँ मेरे बेटे जी के पास। तो गाइज ये है मेरे बेटे जी जो खा रहे हैं अपने मम्मी के हाथ से आज, तो पूछते हैं इनको कैसा लगा। तो बेटा जी आपने खाया छोले चावल, कैसा लगा आपको? छोले चावल आपको। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्या टाइम हुआ है, मुझे आ रहा है बहुत नींद और मैं जाने वाला हूँ सोने। पता नहीं ये वीडियो आज एडिट करके आप लोगों को दे भी पाऊँगा या नहीं, अगर न दे पाऊँ तो ये वीडियो फिर आप लोगों को एक दिन बाद ही मिलेगा। ये था गाइस आज का दिन ऐसे ही निकल गया। और एक विचित्र बात भी हुआ है, विचित्र बात ये हुआ कि मैंने जो फूड आइटम्स ऑर्डर किए थे मैंने एक्चुअली 3 रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए थे और तीनों का ऑर्डर ही मैंने स्विगी से किया था। तो 2 ऑर्डर तो मेरे पास आ गए जिसका मैंने कंपैरिजन वीडियो बना के आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ, बट एक ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी ये हुआ कि करीब 2 घंटे से वो ऑर्डर मुझे डिलीवर नहीं हो रहा था। तो मैंने कॉल किया डिलीवरी पार्टनर को, बट डिलीवरी पार्टनर वॉज नॉट पिकिंग अप द कॉल, इट्स फोन वॉज स्विच्ड ऑफ। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, तब मैंने रेस्टोरेंट को कॉल किया। तो रेस्टोरेंट ने मुझे बताया कि डिलीवरी पार्टनर तो आपका खाना लेके करीब 1 घंटा पहले ही जा चुका है। I don't know what happened to that delivery guy of Swiggy. I just hope he is fine. But मैंने Swiggy से contact किया उनके help section में जाकर और उनको बताया पूरा मामला। They refunded back my money. But then I insisted, I told them to inquire about the person, the delivery guy, if something might have happened to him. कुछ अगर उसको हो गया है and all. तो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट दैट पर्टिकुलर डिलीवरी गाई हूएवर दैट वॉज सेफ एंड प्रोबेबली देयर हैज़ बीन सम एरर फ्रॉम हिज पार्ट, या उसके पार्ट से कोई गलती हुआ हो जिसके वजह से वो डिलीवरी नहीं कर पाया फूड का। बट देन गाइज अगर स्विगी जोमेटो किसी से भी ऑर्डर करने के टाइम में कभी भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ टेक एक्शन, प्लीज़ इन्फॉर्म द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव एप्स, बिकॉज यू नेवर नो कोविड टाइम्स में यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट आपका जो खाना आ रहा है वो आप तक हाइजीनिकली आ रहा है और आपको जो खाना मिल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, उसकी क्वालिटी में कोई इश्यूज़ नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस सब बात का। और चलिए गाइस तो आज के लिए यहीं पर एंड करता हूँ। टेक केयर, पापा केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए और मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अपने वीडियोस को बना के। यार ये मेरा पहला वीडियो था कंपैरिजन का, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बट देन आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा एंड व्हाट आई शुड इम्प्रूव, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टू वे गेम। तो आप लोग बताइएगा कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो
गाइज अपना लव एंड सपोर्ट बना के रखिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर से वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और कमेंट में बताइएगा डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव माई वीडियोज़। आपके कमेंट्स में रेगुलर पढ़ता हूँ एंड बहुत सारे कमेंट्स में मैं रिप्लाई भी करता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स में सिर्फ लाइक करके छोड़ देता हूँ, तो आपके कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, जो मुझे बताते हैं कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स लोग को किस टाइप का वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस टाइप का वीडियोस बना सकूँ और बना के आप लोगों के सामने रख सकूँ। तो इसी के साथ गाइज टेक केयर एंड गुड नाइट वंस अगेन, इस टाइम फाइनली गुड नाइट, ओके बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, गुड नाइट।